उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा नया विधान भवन। 2027 से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। प्रदेश को जल्द नए विधानसभा की सौगात मिलेगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में की। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले महाना ने बताया कि सरकार ने नए भवन के लिए वित्त वर्ष 2023 और 24 के आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन नए भवन में हो। मौजूदा विधान भवन काफी पुराना है, जबकि बढ़ती जरूरतों के मुताबिक स्थान कम होने और आसपास बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार ने नए भवन का फैसला किया है। पूर्व में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नए भवन के लिए स्थान चिन्हित कर लिया जाएगा। साथ ही कोशिश होगी कि 2027 के पहले नए भवन का निर्माण पूरा करा लिया जाए। नया भवन इको फ्रेंडली, भूकंप रोधी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 1922 में रखी गई थी मौजूदा विधान भवन की नींव। मौजूदा विधान भवन की नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर द्वारा रखी गई थी। करीब 6 साल में तैयार हुए इस भवन का 21 फरवरी 1928 को उद्घाटन हुआ। निर्माण कलकत्ता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया। मुख्य आर्किटेक्ट सर स्विनोन जैकब और हीरा सिंह थे। उस समय निर्माण के लिए 21 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। यह भवन का स्थापत्य यूरोपियन व अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौजूदा विधानसभा में फिलहाल 403 विधायकों को बैठने की व्यवस्था है। वहीं विधान परिषद की बैठकों एवं कार्यालय कक्षों के एक अलग चैम्बर का प्रस्ताव जुलाई 1935 में किया गया था। मुख्य वास्तुविद एएम मार्टिमर द्वारा एक्सटेंशन भवन का निर्माण कराया गया, जो लोक निर्माण विभाग की देखरेख में नवंबर 1937 में पूरा हुआ। इसमें फिलहाल 100 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। अर्धचक्राकार दो मंजिले विधान भवन के निर्माण में चुनार के भूरे रंग के बलुआ पत्थरों के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। अर्धचक्र के बीच में गोथिक शैली का गुंबद है, जिसके शीर्ष पर एक आकर्षक छतरी है। इस गुंबद के चारों ओर सजावट के रूप में रोमन शैली में बड़े आकार के पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है। भवन के बाहरी भाग के पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से प्रदेश का राज चिन्ह बना हुआ है।